कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे ये तिरंगा हर जगह, ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। नमस्कार, मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हमारे इस खास कार्यक्रम आजादी के इतिहास में। आज हम जिस आजाद भारत में श्वास ले रहे हैं, उस भारत ने इस आजादी को पाने के लिए अनेकों दुख झेले, अनेकों संघर्ष करे, अनेकों वीरों को खोया, तब जाकर हमें अंग्रेजों के गुलामी से आजादी मिली। आज हमें आजाद हुए पूरे 75 साल हो चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में आज हम इस कार्यक्रम में जानेंगे कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से कैसे, कितने संघर्षों के बाद आजादी मिली। तो चलिए जानते हैं आजादी के इतिहास को। भारतीय स्वतंत्रता का एक बहुत विस्तृत इतिहास है। इसका इतिहास आंदोलनों और बलिदानों से भरा पड़ा है। आजादी की यात्रा बहुत लंबी है। सन 1600 के बाद से ही अलग अलग तौर पर गुलामी से लड़ने की कोशिश होती रही, लेकिन संवेद भारत का स्वर 1857 के गदर के बाद ही उठा। आजादी की ये बिगुल फूंकी थी शहीद मंगल पांडे ने। दरअसल भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों ने जो राइफलें दी थी, उनमें इस्तेमाल होने वाले कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी होती थी। इन कारतूसों को मुंह से खींचकर निकालना होता था। मंगल पांडे को मंजूर नहीं था कि वह चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करे। उन्हें देख धीरे धीरे सभी भारतीयों ने इन कारतूसों के प्रयोग को धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया और इसका विरोध शुरू कर दिया। 25 मार्च 1857 को इन कारतूसों को लेकर मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में अंग्रेज अफसरों के खिलाफ विद्रोह किया। इसके बाद मेरठ में 3री इन्फेंट्री के 85 सिपाही भी बगावत कर बैठे। अंग्रेज इतने क्रूर थे कि हर बगावत की सजा फांसी ही देते थे। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। गदर के बाद तो फांसियों का अनंत सिलसिला चल पड़ा। ना विद्रोह कम हुआ, ना अंग्रेजों के पास फांसी के फंदे कम पड़े। आजादी की लड़ाई हर तरफ से लड़ी जा रही थी। एक तरफ जहां गर्म दल के क्रांतिकारी हिंसक लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं नर्म दल के राजनेता बौद्धिक लड़ाई लड़ रहे थे। एक तरफ महात्मा गांधी थे तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी थे। अंग्रेज एक के बाद एक लगातार प्रतिरोधों का सामना कर रहे थे। आजादी की लपट इतनी खतरनाक थी कि क्रांतिकारियों की लगातार हो रही फांसी के बाद भी क्रांति की ज्वाला मध्यम नहीं पड़ी। एक शहीद होता तो दूसरा शहीद अपने प्राणों के बलिदान के लिए न्योछावर रहता, लेकिन अंग्रेज अपनी क्रूरता से बाज नहीं आ रहे थे। 13 अप्रैल 1919 का भयावह कांड कौन भूल सकता है। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर के कहने पर जलियांवाला बाग कांड हुआ था। हजारों निर्दोष नागरिकों को गोलियां दागी गई थी, जाने कितने ही लोग मारे गए थे। यह वही घटना थी जिसकी वजह से भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी सामने आए थे। साल 1929 का दिल्ली विधानसभा बम विस्फोट। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। 1922 का चोरी चोरा कांड, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जैसे तमाम संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। ये भारत के पुनर्जन्म जैसा था। तभी से हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। ये तारीख हर उस नाम से जुड़ी है जिसने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्यों आजादी के लिए
15 अगस्त की तारीख को चुना गया। तो चलिए जानते हैं। ब्रिटिश सरकार का भारत की आजादी को लेकर पूरा प्लान तैयार था। योजना के अनुरूप भारत को आजादी देने का समय निर्धारित हुआ जून 1948। नए नए बने भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से मिलकर बात करना शुरू कर दिया था। पेंच तब फंसा जब जिन्ना ने अपने अलग देश बनाने की मांग शुरू कर दी, जिसे लेकर दोनों नेताओं नेहरू और जिन्ना के बीच रस्साकशी शुरू हो गई। दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे, जिसका असर देश के आम जनमानस पर काफी गहरा पड़ा। इतना ही नहीं, देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक झगड़े बहुत हद तक बढ़ने लगे। देश की स्थिति बिगड़ते देख आजादी 1948 की जगह 1947 को ही निर्धारित करने की बात तय हो गई। लॉर्ड माउंटबेटन की जिंदगी में 15 अगस्त का दिन बहुत खास था। खास होने की वजह थी कि 15 अगस्त 1945 के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश के सामने जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उस समय ब्रिटिश की सेना में लॉर्ड माउंटबेटन अलाइड फोर्सेज के कमांडर थे, जिसका पूरा श्रेय माउंटबेटन को दिया गया था। बस यही कारण था जिसके चलते उन्होंने 15 अगस्त को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन मान लिया और भारत की आजादी को इसी दिन में बदलकर इस दिन को और यादगार बना दिया। लेकिन माउंटबेटन के 15 अगस्त की तारीख घोषित करने के बाद देश भर के ज्योतिषियों में आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन अशुभ और अमंगलकारी था। विकल्प के तौर पर दूसरी तिथियां भी सुझाई गई, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख पर ही अड़े रहे। ये उनके लिए खास तारीख थी। आखिरी समस्या का हल निकालते हुए ज्योतिषियों ने बीच का रास्ता निकाला। फिर 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि का समय सुझाया और इसके पीछे अंग्रेजी समय का ही हवाला दिया गया। अंग्रेजी परंपरा में रात 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होता है, वहीं हिंदी गणना के अनुसार नए दिन का आरंभ सूर्योदय के साथ होता है। और इस तरह 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत आजाद हुआ। हमें भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति और कृतज्ञ होना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।